व्हाट इज़ अप पीपल, दिस इज़ आकिब और आप देख रहे हैं टेक्नोबॉस इंडिया। और आज का वीडियो है फर्स्ट इम्प्रेशंस सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी प्लस के बारे में। आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी प्लस का अनबॉक्सिंग वीडियो किया था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, पहले वो देखो फिर इस पर वापस आओ। और अगर देख लिया तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है वो होने वाला है सिर्फ अर्ली इम्प्रेशंस। अब अर्ली इम्प्रेशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप एक नया फ़ोन लेते हैं तो पहले जो तीन चार दिन होते हैं उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, आप फ़ोन के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही कवर करूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस फ़ोन के बारे में और मेरे अर्ली इम्प्रेशंस कैसे रहे। मैं इसका फुल रिव्यू भी लेके ज़रूर आऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे इसको थोड़ा और टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के जो बुरी चीज़ है उसके बारे में, क्योंकि मैं जो नेगेटिव थिंग्स है उसको पहले कवर करना चाहता हूँ जो मुझे तीन चार दिन में लगा। अगेन ये फुल रिव्यू नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस बात में सही भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें शायद मैं अभी सही नहीं भी बोल सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें सही नहीं लगी वो ये है कि इसमें सैमसंग ने क्वाड एचडी तो दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ आप 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो नहीं यूज़ कर सकते। आपको या तो फुल एचडी और 120 हर्ट्ज यूज़ करना है या तो क्वाड एचडी और 60 हर्ट्ज यूज़ करना है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेवकूफ़ वाली चीज़ है या बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि फिर क्वाड एचडी का कोई मकसद रह नहीं जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब से मैंने ये फ़ोन लाया है तब से मैं इसको 120 हर्ट्ज पे ही यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं फुल एचडी ही यूज़ कर रहा हूँ। तो जो क्वाड एचडी रेजोल्यूशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, वो एक कम्प्लीटली यूज़लेस चीज़ रहती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप 60 हर्ट्ज पे ही इसको यूज़ कर सकते। तो मेरे हिसाब से सैमसंग को जो है इसको क्वाड एचडी और 120 हर्ट्ज दोनों देना चाहिए था। ऑफकोर्स बैटरी हीट होती, बट देन पीपल के हाथ में चॉइस होता, क्योंकि मैं एक 60,000 70,000 का फ़ोन अगर बाई कर रहा हूँ, और नॉट इन 70,000, अभी जो नोट 20 अल्ट्रा है उसमें भी ये चीज़ है, तो अगर मैं इतना महंगा फ़ोन या कोई भी चीज़ बाई कर रहा हूँ तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मैं कौन सा रेजोल्यूशन और कौन सा रिफ्रेश रेट रखूँ, ना कि कंपनी की। तो मुझे पता नहीं कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ये चीज़ इंप्रूव हो सकता है कि नहीं, चीज़ चेंज हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो प्लीज़ सैमसंग इसको चेंज करिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी वो है बैटरी लाइफ। अब बैटरी लाइफ एकदम घटिया नहीं है, क्योंकि मैं S9 प्लस से है जिसका बैटरी लाइफ अच्छा नहीं है, लेकिन इसका भी उतना अच्छा नहीं है। मेरे जो दो तीन दिन मैंने निकाले या तीन चार दिन जो मैंने फ़ोन यूज़ किया है, उसमें जब भी मैंने बैटरी देखा तो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम अराउंड 4 hours 30 minutes से 5 hours के बीच रहा है। अभी एक्सिनॉस वेरियंट है तो इसलिए ऐसा हो सकता है, स्नैपड्रैगन में भी ज़्यादा निकले, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे वहाँ पे मैंने देखा जो स्नैपड्रैगन वेरियंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा निकलता है। लेकिन मेरे जो टेस्ट हुए जो मैंने किए उसमें बहुत ही मुश्किल से अगर मैं खींचूँ इसको तो 5 hours 20 minutes मैक्स रहा है, और ये सब 120 हर्ट्ज़ फुल एचडी में रहा है। मैंने 60 हर्ट्ज़ पे टेस्ट नहीं किया, अगेन जैसा मैंने बोला कि फुल रिव्यू नहीं है, मे बी वो टेस्ट में जब फुल रिव्यू लेके आऊँगा तब करूँगा। और उसके अलावा जो लास्ट फाइनल चीज़ है जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी कि फ़ोन कभी कभी हीटअप हो जाता है। मैंने उतनी गेम्स नहीं खेली, लेकिन जब खेली तो फ़ोन थोड़ा बहुत जो है वो हीटअप हो जाता है, या अगर आप ज़्यादा पिक्चर्स लेते हैं वीडियोस लेते हैं। अब अगेन ये एक्सिनॉस के साथ पहले से प्रॉब्लम रह चुकी है, क्योंकि मैं सैमसंग ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ तो मैं इस चीज़ से फेमिलियर हूँ। बट अगर आप लोग नहीं है तो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप एक परचेज डिसीजन लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। तो ये तो आगे नेगेटिव पॉइंट्स, अब चलते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। अब सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस फ़ोन की लगी वो ये है कि इसका डिस्प्ले, टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं देखा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि यूज़ करते करते मैं रुक गया और मैंने सोचा भाई सच में डिस्प्ले बहुत अच्छा है, मैंने डिस्प्ले की तारीफ की है, तो ये सच है कि डिस्प्ले बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन द मार्केट। एंड मैं क्वाइट क्लियरली ये बात बोल रहा हूँ कि मैं इस डिस्प्ले को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है एवर क्रिएटेड। और उसके अलावा जो ब्राइटनेस है फ़ोन की वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी सही है, जो स्क्रीन है वो काफ़ी ब्राइट हो जाती है। इसके अलावा जो इसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ओफ मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना अच्छा है कि आपको प्यार हो जाएगा। मैं एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर आप 120 हर्ट्ज यूज़ करेंगे तो आप 60 हर्ट्ज पे वापस मूव नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा था, लेकिन जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मैंने समझा ऐसा क्यों बोलते हैं। ये चीज़ कैमरा पे नहीं अच्छे से दिख पाती है, चाहे हम कितना भी कोशिश करें, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को, वो स्मूथनेस आपको 60 हर्ट्ज पे कभी नहीं मिलेगी, और ये चीज़ मेरे को इसकी काफ़ी सही लगी। इसके बाद जो इस फ़ोन का वेट है वो भी मेरे को काफ़ी सही लगा। सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस जो मेरे पास था उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, और उसके मुकाबले में जो ये वाला फ़ोन है इसका वेट काफ़ी सही है।
और फ़ोन ना बिल्कुल भी भारी नहीं लगता, और जो वेट प्रपोर्शंस है वो भी काफ़ी सही से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उस मामले भी मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। और फ़ोन है तो बड़ा, लेकिन जब आप इसको हाथ में ऐसे होल्ड करते हैं और जब इसको ऐसे पकड़ते हैं तो आपको महसूस नहीं होगा कि फ़ोन बड़ा है। फ़ोन काफ़ी हैंडी और काफ़ी हाथ में सही लगता है, मतलब स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ा है, 6.7 इंच है, जो काफ़ी सही है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कहीं पर भी अनकम्फर्टेबल। ऑफकोर्स आपको दो हाथ यूज़ करने पड़ेंगे, सिंगल हैंड ऑपरेशन नहीं पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सही से सैमसंग ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और जो कलर है वो मुझे काफ़ी सही लगे, ये जो कोरल ब्लू जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा है, दिखने में काफ़ी सही लगता है। अगर आपको लेना है और आप थोड़ा डिफरेंट लेना चाहते हैं ब्लैक ग्रे से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये वाला कलर ट्राई करिए, काफ़ी सही लगता है, काफ़ी कूल लगता है कलर। अब जहाँ तक कैमरा की बात है, कैमरा मेरे को अभी तक तो अच्छा लगा, मैं उतने टेस्ट नहीं किए तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। जैसा कि मैंने बताया सिर्फ इनिशियल इंप्रेशन है, तो जो फुल रिव्यू आएगा उसमें मैं कैमरा पूरा डिटेल में कवर करूँगा, एकदम घुस जाऊँगा कैमरा के अंदर। लेकिन अभी तक जो कैमरा के आउटपुट्स हैं मुझे काफ़ी सही लगे, मैंने इक्का दुक्का ही पिक्चर्स ली है, मैं थोड़ा पोस्ट करने की दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो जो क्वालिटी है फोटोज़ की वो काफ़ी सही है, मेरे को जो इससे कोई अभी तक शिकायत नहीं है। तो कैमरा मुझे और डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा फुल रिव्यू से पहले। अब जहाँ तक एक्सिनॉस 990 की बात है, जो इसका चिपसेट है, ऑफकोर्स काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है इसको लेके, आप स्नैपड्रैगन से लोग कंपेयर करते बोलते अच्छा नहीं है, जो कि सही है, जो सच है, और लेकिन अगर आप डे टू डे यूज़ में देखे जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी लैग नहीं करता है, काफ़ी स्नैपी और परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ है, फ़ोन काफ़ी आराम से हर एक एप्लीकेशन हैंडल करता है, कुछ भी इसकी तरफ दे दो आराम से उसको टैकल कर लेता है। तो ये था इनिशियल इंप्रेशंस सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं बहुत जल्द इसका जो है फुल रिव्यू लेके आऊँगा। मैं फुल रिव्यू लाने से पहले थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से देखो और एक एक चीज़ कवर करूँ। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।